स्वागत आप सभी का टेम्सवर्ड की एक और नई वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं त्रिवेंद्रम के बारे में। त्रिवंतमपुरम के नाम से जैसे जाना जाता है, ये शहर केरल राज्य की राजधानी सिटी है। तो इसके बारे में कौन कौन सी घूमने लायक देखने लायक जगह है, उन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो मैंने पहले एडिट कर ली थी और डिलीट हो गई मुझसे। अब दोबारा इस वीडियो को एडिट कर दोबारा बना रहा हूँ। एंड कोहरा देखिए, कितना भयंकर कोहरा हो रहा है। और हम गाज़ियाबाद से हैं, कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है पीछे। कोहरा 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 ही कोहरा। नंबर वन, नैयर डैम एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की लायन एंड डियर सफारी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि यहाँ पर आपको कई जानवर जैसे कि एलिफेंट्स और क्रोकोडाइल भी रहते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, जो कि ये जगह नैयर डैम के पास ही स्थित है। नंबर टू, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये मंदिर शहर और देश भर में और विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि एक गोल्ड प्लेटेड कवरिंग टेम्पल है। ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर में भी गिनती की जाती है इसकी। यहाँ पर हज़ारों पर्यटक आया करते हैं, लेकिन यहाँ पर विदेशी पर्यटक अलाउड नहीं है। ओनली इंडियंस कैन एंटर इन दिस टेम्पल। और आपको यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर आपको इसके अंदर घुसना है। नंबर थ्री, पूवार आइलैंड। यह आइलैंड एक क्वाइट कोस्ट स्मॉल विलेज है, जो कि विजयनगरम का एक नेचुरल हब है। इस जगह को सैंडलवुड स्पाइसी एंड टिम्बर की वजह से लोकप्रियता है। नंबर फोर, ऑब्जर्वेटरी। ये समुद्र से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक हिल पर स्थित है, जो कि शहर का हाईएस्ट पॉइंट भी है। इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना 1837 में हुई थी, जिसके पास एक ब्यूटीफुल रोज गार्डन भी स्थित है। ये देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर 11 इंच टेलीस्कोप, CCD कैमरा, वर्क स्टेशन जैसी चीज़ें भी उपस्थित हैं। नंबर फाइव, जूलॉजिकल पार्क। ये जूलॉजिकल पार्क इंडिया के सबसे पुराने जू में इसे एक माना जाता है, जो कि यहाँ पर रहने वाले वेरियस इथोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन बर्ड स्पीसीज के लिए ये जगह ये जूलॉजिकल पार्क यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नंबर सिक्स, कानाका कुन्नू पैलेस। ये पैलेस का निर्माण तिरुवानकोर किंग ने करवाया था, जो कि यहाँ पर आज के समय में कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते हैं और जो कि टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है। नंबर सेवन, नेपियर म्यूजियम। ये म्यूजियम का नाम लॉर्ड नेपियन के नाम पर रखा गया, जो कि एक आर्ट एंड हिस्ट्री का म्यूजियम है, जिसकी स्थापना 1855 में हुई थी। इसे गोथिक आर्किटेक्चर में डिजाइन किया गया है। नंबर एट, प्रियदर्शनी स्पेस प्लैनेटेरियम। ये प्लैनेटेरियम 1994 में पब्लिक के लिए खोला गया था, जो कि इसमें आपको कई जानकारी मिलेगी, जो कि अर्थ एंड यूनिवर्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना जैसे प्रोजेक्ट को भी प्रोग्राम किया जाता है। नंबर नाइन, अथुकल भगवती टेम्पल। ये टेम्पल साउथ केरला यानी त्रिवेंद्रम का सबसे प्रसिद्ध टेम्पल है, जो कि अथुकल भगवती अम्मन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हर साल फरवरी और मार्च में, जो कि फरवरी और मार्च अभी चल रहा है, यहाँ पर पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। इस फेस्टिवल में केवल महिलाएं शामिल हो सकती हैं। काफ़ी अमेजिंग जगह है ये। नंबर टेन, पाचमगढ़ी गणपति टेम्पल। ये मंदिर केरल राज्य का भगवान गणेश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि त्रिवेंद्रम के सेंट्रल में स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल क्लोथ पहनने होंगे, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर और एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये मंदिर। नंबर 11, हवा बीच। केरल राज्य का ये बीच कुछ समय अकेले में बिताने के लिए एक आइडल प्लेस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर सनसेट का व्यू एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आया करते हैं। नंबर 12, कनिकाकोम चामुंडा देवी टेम्पल। ये मंदिर एक 600 साल पुराना मंदिर बताया जाता है, जो कि एक हिस्टोरिकल टेम्पल है। ये मंदिर त्रिवेंद्रम के पास एक ग्रीन डेंस एनवायरनमेंट में स्थित है। नंबर 13, श्री चित्र आर्ट गैलरी। इस आर्ट गैलरी की स्थापना 1935 में हुई थी, जो कि नेपियर म्यूजियम के पास नॉर्थ साइड में स्थित है, जहाँ पर आपको राजा रवि वर्मा के फेमस आर्ट वर्क्स एंड मुगल राजपूत एंड तंजोर एरा के आर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। नंबर 14, केरला मैजिक प्लैनेट। ये वर्ल्ड का पहला मैजिक प्लैनेट माना जाता है, जो कि यहाँ पर मिस्टिकल थीम पार्क है, जहाँ पर आपको भी कुछ बेहद मिस्टीरियस मूर्ति ऐसी देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि इसमें एंट्री फीस 400 रुपये है।
पारेडल्स। नंबर 15 संगमुकम बीच, इस शहर का मोस्ट पॉपुलर बीच में से एक माना जाता है जो कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के पास ही स्थित है। वेयर यू कैन सी सम अमेजिंग स्टैचूज लाइक मरमेड स्टैचू एज यू कैन सी इन दिस इमेज। नंबर 16 CSI क्रिस्ट चर्च, इस चर्च का हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चुरल काफ़ी ज़्यादा महत्व है जो कि 1900 से केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है। दिस चर्च आल्सो एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट इन त्रिवेंद्रम। नंबर 17 अकुलम लेक, ये लेक त्रिवेंद्रम के पास अकुलम में स्थित है जो कि शहर की एक मोस्ट पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। नंबर 18 सुनील वैक्स म्यूजियम, ये म्यूजियम श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के स्ट्रीट में ही स्थित है जो कि यहाँ पर आपको 30 से ज़्यादा स्टैचूज देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि वैक्स से बनाई गई हैं, जिनमें से महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, सलमान खान जैसे फेमस लोगों की यहाँ पर स्टैचूज बनाई गई हैं जो कि वैक्स से बनाई गई हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। If you like this video, don't forget to hit the like button and comment kaisi lagi and share this video with your friend who wants to visit Trivandrum, Thiruvananthapuram and I'll meet you in the next one. Subscribe जरूर कर लेना। Thanks for watching.